नमस्कार, आदर्श हिमाचल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आदर्श हिमाचल के बुलेटिन पर। आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू होते अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर नौकरी न देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने राम मंदिर के विषय पर भी विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा एक नया इतिहास रचेगी और हर महीने प्रोग्राम करके देते हैं। इसके अलावा करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में अवसर मिले, रोजगार स्वरोजगार के मिले। मुद्रा लोन युवाओं को ही केवल 8 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन मिले हैं, यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उसके माध्यम से हुए। बताती हूँ, आपने विषय उठाया, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये आम जनता को राहत तो क्या देनी थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक बार नहीं दो बार टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला। जब पूरे प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही मच रही थी, तब ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे, रेता बजरी के क्रशर बंद कर रहे थे। और आज भी मार्केट में जाकर दाम देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़े हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जबकि उससे पहले जब भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो दो बार केंद्र सरकार ने दाम कम किए और दो बार प्रदेश की भाजपा की सरकार ने दाम कम किए। ये अंतर है। ये महंगाई का बोझ अगर कोई किसी ने डाला तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर डाला है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें मिली, अब 2024 में नया इतिहास रचेंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर जी ने और कुछ अन्य नेताओं ने बातचीत की और मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस विषय को उठाया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है उन्हें तुरंत प्रभाव से इस प्रक्रिया को लंबित कर दिया है, पेंडिंग किया है। और ये भी कहा है कि स्टेक होल्डर से, जनता से बातचीत करके और जानकारी जुटाकर तभी कोई निर्णय करेंगे। मैं इसके लिए मोदी जी का और भूपेंद्र यादव जी का, दोनों का आभार प्रकट करता हूं। सर राहुल